आप कॉल डिटेल निकाल रहे हो बेटा, कॉल डिटेल ऐसे नहीं निकलती बोली। मैंने एसपी आप इसे कॉल डिटेल निकाल के लाए। ऐसा किया है बदतमीजी की आपके साथ। 2018 को शेख सोहेब पिता शेख इब्राहिम ने थाने में आके रिपोर्ट लिखाई कि उनकी बहन बैंक से पैसे निकालने को लेकर घर से निकली थी 22 तारीख को, लेकिन दिनांक 24 तक नहीं आई। तो उन्होंने थाने में गुम इंसान रिपोर्ट कराई 23/18 गुम इंसान। इसकी विवेचना एएसआई परियार साहब कर रहे थे, थाना परासिया द्वारा विवेचना जांच की जा रही थी। जांच के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पे और सीडीआर निकाली गई। सीडीआर के अवलोकन पर पाया गया कि आखिरी जो बातचीत थी पीड़िता मृतक मतलब गुम इंसान की, वो डुंगरिया के रहने वाले अल्पसम नाम के व्यक्ति से आखिरी बार बात हुई। इसी आधार पर थाना परासी उनको थाना डुंगरिया चौकी डुंगरिया से लाकर अभिरक्षा में लेके पूछताछ की गई। उनके द्वारा बताया गया, संपूर्ण घटना की जानकारी उनके द्वारा दी गई कि दिनांक 22 तारीख को मैं गुम इंसान जो महिला है उसको लेकर मैं थाना कामिया क्षेत्र में गया था और इसी दौरान हम लोगों में विवाद हुआ और मैंने उसको चाकू से बात करके इसकी हत्या की। वर्तमान में जो संदेही है वो गिरफ्तार हो गया, पुलिस की अभिरक्षा में आ चुका है और इसी आधार पर अपराध क्रमांक 215/18 302 सहित कायम कर विवेचना में लिया। मैडम चक्का जाम था वो किस बात पर? चक्का जाम इस उनका ये आरोप था कि इसमें वो किया गया है, थोड़ी सी लापरवाही की गई है, इस आधार पर किया गया, लेकिन आप संतुष्ट हैं। थैंक यू।